हेलो गाइस, तो आज हम यहाँ बात करने वाले हैं टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस अदर देन IITs एंड NITs। तो यहाँ जो मैंने लिस्ट में जितने भी कॉलेजेस रखा है सारे प्राइवेट हैं और कुछ कुछ स्टेट कॉलेजेस भी हैं, और जितने भी कॉलेज हैं उनके NIRF रैंकिंग 100 के अंदर हैं। तो मैंने जो रैंकिंग किया है उसकी कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि मीडियम पैकेज उसका अच्छा होना चाहिए, और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट PS, फिर फीस, कैंपस और कुछ कुछ अदर चीज़ें भी देखी है मैंने। तो पहले नंबर पे है पिट्स पिजानी, जो कि 1964 में बना था, और 328 एकड़ का कैंपस है जो कि पिजानी राजस्थान में है, और इसके NIRF रैंकिंग 26 है। इसके और भी कैंपस है जैसे पिट्स दुबई, जो कि 2000 में बनी थी और 14 एकड़ की है, दुबई में है। फिर बिट्स गोवा, जो कि 2004 में बनी थी, और ये 180 एकड़ की कैंपस है। और फिर बिट्स हैदराबाद, ये 2008 में बनी है और 200 एकड़ की है कैंपस। और यहाँ कोर्स की बात करें तो देख सकते हैं इतनी सारी कोर्स है यहाँ पर। फिर एडमिशन इसकी होती है बिट्स एट के थ्रू, और मिनिमम आपकी 75% होनी चाहिए PCM में क्लास 12th के रिज़ल्ट में। और जो स्टेट टॉपर होते हैं और बोर्ड टॉपर होते हैं उन लोग की डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है, और यहाँ फीस भी आप देख सकते हैं। प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज 90 लाख का गया है इंडिया में, और इंटरनेशनल पैकेज 2.3 करोड़ गया है इसका। और दूसरे नंबर पे आता है जादवपुर यूनिवर्सिटी, जो कि 1955 में बनी थी, काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, ये कैंपस 96.5 एकड़ की है, और ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी है। NIRF रैंक 17 है, और इसकी एक और कैंपस है जो कि सॉल्ट एक कैंपस है। यहाँ पर बहुत सारी कोर्सेज मिल जाएगी आपको, यहाँ बहुत सारे ऐसे कोर्स भी मिलती है जो बाकी कॉलेजेस में नहीं मिलते, जैसे पावर इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये सब भी है यहाँ पर। और इसकी जो एडमिशन होती है वो उसकी खुद की एक स्टेट एग्ज़ाम होती है जो कि WBJEE है, और इस यूनिवर्सिटी को पाने के लिए बहुत कम रैंक चाहिए। CSE चाहिए आपको तो ऑलमोस्ट 400 से 500 रैंक के अंदर आना पड़ेगा आपको। और इसकी फ़ीस की बात करें तो इसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा ही कम है, ट्यूशन फ़ी सिर्फ 2400 पर ईयर है, और यहाँ आपकी पूरी पढ़ाई 10,000 पूरी पढ़ाई ऑलमोस्ट 12,000 में हो जाएगी। अब इसकी प्लेसमेंट की बात करते हैं तो पिछली बार ऑलमोस्ट सबकी प्लेसमेंट हो गई थी, और मीडियम 9.5 की थी, और हाईएस्ट 58 LPA की थी, और CSE का एवरेज यहाँ पर 18 to 20 जाता है। तो हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर है RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये 1963 में बनी थी, 56 एकड़ की कैंपस है, NIRF रैंक 77 है, और इसकी लोकेशन बेंगलुरु कर्नाटका में है। कोर्स की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी कोर्स मिल जाते हैं आपको, और फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ देख ही सकते हैं आप। आपको ऑलमोस्ट मतलब अराउंड करके 2.5 लाख पर ईयर लग ही जाएगा इसमें कमिट के थ्रू अगर जाइएगा तो, क्योंकि यहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको कॉमेट के का एग्ज़ाम देना क्लियर करना पड़ेगा जो आउटसाइड कर्नाटका के बच्चे हैं उनके लिए। और बात करें इसकी प्लेसमेंट की तो हाईएस्ट सैलरी देख सकते हैं 53.18 लाख की है, एवरेज 8.63 की है, और CSE का एवरेज वो भी 12 लाख प्लस की रहती है, और पिछले बार 75.2% बच्चे PS हुए। अब नंबर 4 पे है थापड़ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये कॉलेज 1956 में बनी थी, NIRF रैंक 23 है, और कैंपस 300 एकड़ की है, और ये पटियाला पंजाब में है लोकेटेड है। और कोर्स की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी कोर्स मिल जाती है यहाँ देख सकते हैं आप। और एडमिशन की बात करें तो ये इनका खुद का एडमिशन होता है, खुद का एग्ज़ाम होता है, और
जेई मेंस के मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन होता है। जैसे कि आपका अगर 95 या 90, मतलब 95 से ज़्यादा ही आना चाहिए तभी इसमें एडमिशन होगा। और 12th की जो रिज़ल्ट आती है उससे भी एडमिशन होता है, उसमें भी आपको 95 प्लस रहना चाहिए PCM में। और यहाँ की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, एक सेमेस्टर की फ़ीस 2,000 रुपये है अगर आप CSE देते हैं तो, और वो भी 2,000 पर सेमेस्टर है, मतलब साल का 4 लाख सिर्फ ट्यूशन फी। और प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट 43 लाख का है और मीडियन इसका 8.1 लाख का है, और CSE में एवरेज यहाँ 11 to 12 लाख का जाता है। पिछले साल 80% स्टूडेंट पीएस भी हो गया था। पाँचवें नंबर पे है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। ये कॉलेज 1954 में बनी थी, 36.8 एकड़ की कैंपस है, लोकेटेड इन पुणे महाराष्ट्र। और इसकी जो एडमिशन होती है वो MST CET एग्ज़ाम से होती है, जो कि ये महाराष्ट्र का स्टेट लेवल एग्ज़ाम है। और इसमें JEE मेंस के स्कोर से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बात करें इसकी कोर्स की तो आप इतने सारे कोर्स यहाँ कर सकते हैं, और फ़ी स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप यहाँ पर। कैटेगरी वाइज फ़ी है, SC ST OBC जनरल सबकी अलग अलग फ़ीस है। और प्लेसमेंट भी यहाँ ठीक काफ़ी अच्छी है, हाईएस्ट पैकेज 39 IPA का है। और पिछले बार मीडियन इसका अराउंड 8 लाख के आसपास गया था, और 97% PS भी बच्चे हुए थे। छठे नंबर पे है BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि बेंगलोर में है, और ये 1946 में बनी थी, और ये 11 एकड़ की कैंपस है। NIRF रैंक इसकी 98 है। कोर्सेज़ की बात करें तो इतनी सारी कोर्सेज़ यहाँ पर अवेलेबल है, और इसकी एडमिशन होती है कमटके के थ्रू और मैनेजमेंट कोटा से भी होती है। फ़ीस इसकी अराउंड 2.2 लाख पर ईयर है, और अगर मैनेजमेंट कोटा से जाइएगा तो अराउंड 8.5 लाख CSE का है, और बाकी सारे ब्रांचेस का थोड़ा कम है। और इसकी प्लेसमेंट देखी जाए तो हाईएस्ट पैकेज 50 लाख का है, और इसका CSE का एवरेज अराउंड 12 लाख के आसपास जाता है, और प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है, अराउंड 70% प्लेस हो जाते हैं बच्चे। सातवें नंबर पर है बेस्ट यूनिवर्सिटी, ये भी बेंगलोर में है, और ये 25 एकड़ की कैंपस है। ये 1988 में बनी थी, और इसकी एडमिशन PSET एग्ज़ाम के थ्रू होती है, जो इसकी खुद की एग्ज़ाम होती है, और JEE मेंस के रिज़ल्ट पे भी होती है एडमिशन। कोर्स की बात करी जाए तो यहाँ थोड़ी कम कोर्स अवेलेबल है, और फीस भी यहाँ थोड़ी हाई है। जैसे कि आप कंप्यूटर साइंस में देख सकते हैं 4.1 लाख है पर एनम। और प्लेसमेंट इसके भी काफ़ी अच्छी है, हाईएस्ट पैकेज 50 लाख का है, 90.4% बच्चे PS भी हो गए थे पिछले साल, और वो भी मीडियम पैकेज 7.2 लाख का था, और CSE का एवरेज अराउंड 10 लाख का रहता है। आठवें नंबर पर है MIT, जो कि मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये मणिपाल में है, और ये 188 एकड़ की कैंपस है, 1957 में बनी थी, और NIRF रैंक इसके 51 है। और इधर एडमिशन MET एग्ज़ाम के थ्रू होती है, जो कि इसकी खुद की एग्ज़ाम होती है। कोर्सेज़ की बात करें तो यहाँ काफ़ी सारी कोर्सेज़ मिलती है, और यहाँ फीस भी अलग अलग कोर्सेज़ की अलग अलग है। लाइक जो मैंने रेड कलर से लिखा है उसकी फ़ीस ज़्यादा है, और जो ग्रीन है उसकी मीडियम, और जो ब्लू है उसकी कम है फ़ीस। यहाँ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में 3.25 लाख लगेगा सारे बच्चों के लिए, और सेकंड थर्ड फोर्थ के लिए अलग अलग फ़ीस है सब्जेक्ट वाइज। बात करें इसके प्लेसमेंट की तो प्लेसमेंट भी इसके काफ़ी अच्छी है, हाईएस्ट 43 लाख का है, और एवरेज 8.8 का है। यहाँ पर बहुत सारे माइनर ब्रांचेस भी हैं जिसके कारण एवरेज थोड़ा कम हो गया इसका। और कंप्यूटर साइंस में 100% प्लेसमेंट है, और इसका मीडियन 7.2 लाख का है। 9th नंबर पर है VIT, जो कि वेलोर में है। इसकी NIRF रैंकिंग 12th है, जो कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे टॉप पर आती है। और इधर एडमिशन VIT EEE एग्ज़ाम से होती है, जो कि इसकी खुद की एग्ज़ाम है। इसके 4 कैंपस हैं, सबसे अच्छा कैंपस इसका वेलोर में है, जो कि 1984 में बना था और 372 एकड़ का है। और एक और कैंपस चेन्नई में है, जो कि 2010 में बना था,
92 एकड़ का है, और तीसरा भोपाल में बना है जो कि 217 2017 में बना था, 200 एकड़ का। और चौथा है अमरावती में जो कि 2017 कि 2017 में बनी बना था 200 एकड़ में। कोर्स यहाँ पर भी काफ़ी सारे मिल जाती है आपको, और यहाँ की फ़ीस जो है वो कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है। कंप्यूटर साइंस की कैटेगरी 1 में फ़ीस है अराउंड 2 लाख, और कैटेगरी 5 में अराउंड 5 लाख फ़ीस पर ईयर। और यहाँ पर कैटेगरी डिसाइड होती है आपकी एग्ज़ाम के थ्रू। आप जो VIT ट्रिपल एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें जो आपका रैंक आएगा उस हिसाब से आपको कैटेगरी मिलती है। अब बात करें इसकी प्लेसमेंट की, तो इसकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है। हाईएस्ट पैकेज 75 लाख का है, एवरेज 8 का है, और मीडियम 6.5 का, और 80% स्टूडेंट PhD हुए थे पिछले साल। नंबर 10 पे आना यूनिवर्सिटी जो कि चेन्नई में है, और ये पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसमें एडमिशन TNEA एग्ज़ाम के थ्रू होता है जो कि तेलंगाना का स्टेट एग्ज़ाम है। NIRF रैंकिंग 18 है, और ये 189 एकड़ का कैंपस है, इस्टेब्लिश ऑन 1879-78। यहाँ पर भी आपको काफ़ी कोर्सेज मिल जाएंगे देखने को। जैसा कि बताया मैंने, एडमिशन ये तेलंगाना एग्ज़ाम से होता है, और 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए PCM में, और फीस इसकी काफ़ी कम है, 55,000 पर ईयर ही है। बात करें प्लेसमेंट की, तो 36 लाख की हाईएस्ट प्लेसमेंट है, और एवरेज 6.5, मीडियन 5.5 लाख का है। नंबर 11 पर है किट यूनिवर्सिटी जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ये 1992 में बनी थी। इसके कैंपस काफ़ी बड़ी है, 700 एकड़ की कैंपस है। NIRF रैंकिंग इसकी 39 है। कोर्सेज यहाँ काफ़ी सारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ एडमिशन आपको KT एग्ज़ाम के थ्रू होगी, जिसमें अगर आप 1000 रैंक के अंदर आइएगा तो आपको 5 लाख की स्कॉलरशिप भी मिलती है। JEE मेंस के स्कोर से आपको यहाँ डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाएगी। मिनिमम आपको 60% मार्क्स PCM में चाहिए। फ़ीस की बात करें तो 1,75,000 पर सेमेस्टर फ़ीस है। प्लेसमेंट की बात करें तो इस बार 52 लाख का पैकेज लगा है, और एवरेज 6.05 लाख का है। CSE में एवरेज 8.1 लाख का है, और मीडियन 5.2 लाख का, और 99% बच्चे PhD हुए हैं। बाय द वे, मैं भी इसी कॉलेज में हूँ, तो अगर आपको कुछ पूछना हो या कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। नंबर 12 पर है JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि 2001 में बनी थी, और NIRF रैंक इसकी 94 है। ये नोएडा में है, और इसकी 2 कैंपस है, एक सेक्टर 62 में जो कि 15.5 एकड़ का है, और एक सेक्टर 128 में जो 8.2 एकड़ का है। कोर्सेज यहाँ काफ़ी कम मिलती है, और इसकी फ़ीस है अराउंड 1,15,000 पर सेमेस्टर, और प्लेसमेंट इसकी काफ़ी अच्छी है। 57 का हाईएस्ट पैकेज है, और एवरेज 8 लाख से भी ऊपर है। मीडियन इसका थोड़ा कम है, 5 लाख का है, और 89% प्लेसमेंट भी हो गया था पिछले साल। नंबर 13 पर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो कि 2012 में बनी थी। 250 एकड़ की कैंपस है, और ये पंजाब में है। इधर एडमिशन CU CET टेस्ट से होती है जो कि इसके खुद की टेस्ट है, और यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन भी अवेलेबल है थ्रू JEE स्कोर और बोर्ड रिजल्ट के बेसिस पर। कोर्स यहाँ काफ़ी सारी मिल जाएगी आपको, और फीस भी यहाँ दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 1,06,000 पर सेमेस्टर फ़ीस है। यहाँ पर आपको बहुत चीज़ के बेसिस पर स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। और प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट 52 लाख का प्लेसमेंट है, और इसकी मीडियन 4.8 है, और इसकी एवरेज अराउंड 5.5 की होगी, और 59.1% बच्चे PS हुए थे पिछले साल। नंबर 14 पर है MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि 1962 में बनी थी, जो कि काफ़ी पुरानी इंस्टीट्यूट है, और इसके कैंपस 65 एकड़ की है, और यह बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसकी एडमिशन कॉमिटके के थ्रू होती है, और मैनेजमेंट कोटा से भी होती है। फीस इसकी 2.4 लाख पर ईयर है। कोर्सेज यहाँ पर आपको काफ़ी सारी मिल जाएगी। प्लेसमेंट देख सकते हैं आप, हाईएस्ट 50 लाख का था जो कि काफ़ी पुराना हो गया है, और एवरेज भी 7.66 का था जो कि वो भी पुराना हो गया। ये टेस्ट हाईएस्ट पैकेज है आपका 25 लाख का, और मीडियन है 4.5 लाख लास्ट ईयर का। नंबर 15 पर है अमृता विश्वविद्यापीठम जो कि 1994 में बनी थी। NIRF रैंकिंग इसकी 16 है। इसके कैंपस काफ़ी सुंदर है, और इसमें एडमिशन आपको
ACE एग्ज़ाम के थ्रू होती है, जो कि इसकी खुद की एग्ज़ाम है। और इसका 7 कैंपस है टोटल। जो सबसे पुराना कैंपस है वो कोयम्बातोड़ में है, जो कि 400 एकड़ का है। फिर है कोची में, फिर अमृतापुरी में, फिर मैसूरु में, फिर बंगलुरु, चेन्नई, अमृतावती और बस। और कोर्सेज़ यहाँ काफ़ी सारे मिल जाएगी आपको, और फीस भी आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप CSE में जाना चाहते हैं कोयम्बातोड़ कैंपस में, तो 3,25,000 पर ईयर फीस है। और प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज 57 लाख का था, एवरेज 5.8 का है, और पिछले साल 9.2 बच्चे प्लेस हुए थे, और मीडियम 4.5 का था। नंबर 16 पर है मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, जो कि 2011 में बनी थी, और इसके कैंपस 222 एकड़ में है। इसके NIRF रैंकिंग 84 है। ये जयपुर राजस्थान में है। आप इसे ऑनलाइन इसकी वेबसाइट में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर फीस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में इसकी फ़ीस है ईयरली 3.4 लाख की, और प्लेसमेंट इसकी देखी जाए तो हाईएस्ट 42 लाख की है, और एवरेज 6.2, और पिछले साल की मीडियन 4.5 लाख की थी, और 79.8। नंबर 17 पर है LTU, जो कि 2005 में बनी थी। इसके कैंपस भी काफ़ी बड़ी है, 600 एकड़ के कैंपस है। NIRF रैंकिंग इसकी 66 है, और ये कॉलेज पंजाब में है। आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसकी वेबसाइट पर जाके। फीस की बात करें तो 1.2 लाख पर सेमेस्टर फीस है, और प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज 42 लाख की है, एवरेज 5.7 लाख की। पिछले साल 58% बच्चे फेल हुए थे, विद एवरेज मीडियम सैलरी 4.4 लाख। नंबर 18 पर है MIT यूनिवर्सिटी नोएडा, ये नोएडा उत्तर प्रदेश में है। ये 2005 में बनी थी। इसके कैंपस 60 एकड़ की है, और इसके NIRF रैंकिंग 31 है। आप इसे भी इसके वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसकी और भी बहुत सारे कैंपस है, लेकिन मेन कैंपस इसका नोएडा में है। इसकी फ़ीस CSE में अराउंड 2 लाख पर सेमेस्टर है, और प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज 21.5 लाख का गया था पिछले साल, और एवरेज 5 लाख का था, और मीडियम 3.75 लाख का था। 71.2% बच्चे PhD हुए थे। नंबर 19 पर है शिक्षा व अनुसंधान, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है। इसकी NIRF रैंकिंग 32 है। ये 1996 में बनी थी। इसके कैंपस 200 एकड़ की है। आप इसे वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, और SAT एग्ज़ाम के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। इसकी फ़ीस कंप्यूटर साइंस की अराउंड 2.5 लाख पर ईयर है। बात करें इसके प्लेसमेंट की तो हाईएस्ट पैकेज 42 लाख का गया है, जो कि इस साल गया है, और 97% बच्चे भी PS हो गए थे, विद मीडियम सैलरी 3.6 लाख पिछले साल। नंबर 20 पर है SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 1985 में बनी थी। इसके कैंपस 250 एकड़ में है। NIRF रैंकिंग इसकी 34 है। लोकेटेड एट कटान कुयाथुर तमिलनाडु। इधर एडमिशन आपको SRM JEE एग्ज़ाम से होगी, जो कि इसकी खुद की एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। इसके और भी बहुत सारे कैंपस हैं। बात करें इसकी फ़ीस की तो ईयरली फ़ीस आपको वैरी करेगा 2.5 लाख टू 4.5 लाख, जिसमें CSE की फ़ीस है 4 लाख पर ईयर। प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज 41.6 लाख का था, और पीछे बार 93% स्टूडेंट PhD हुए थे, विद ये तो हो गया टॉप 20 कॉलेजेस अदर देन IITs एंड NITs। अब मैं आपको एक लिस्ट दिखाऊंगा जिसमें मैंने सारे कॉलेजेस को नंबरिंग दिया है अकॉर्डिंग टू देयर मीडियन पैकेज, इंक्लूडिंग IITs NITs और जितने भी कॉलेजेस, सबको इंक्लूड करके। मैंने यहाँ NIRF रैंकिंग 1 से लेकर 100 तक की सारी कॉलेजेस को PS किया है अकॉर्डिंग टू देयर मीडियन पैकेज, और NIRF रैंकिंग 100 के बाद से जिसके भी मीडियन पैकेज अच्छे हैं, मैंने सिर्फ उन्हीं के नाम लिखा है। मैं इस PDF के लिंक यहाँ वीडियो की इंफॉर्मेशन में नीचे डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं आराम से।